just hope you all are doing great. Yo. So bros, आज का जो topic है हम बात करेंगे engine overheating. Why does engine overheat? Why? See, the bike. This bike. And this bike. These both have a huge difference. मैं बताता हूँ क्या. R15 काम करती है radiator से, the liquid cooling. और ये Enfield जैसे गाड़ियाँ काम करती है. Not all Enfield, but the 350, 500 and all that they work on, or any other bike, it's the air cooling. तो दोनों में difference क्या है? इसमें आप देख रहे हो वो fins नहीं हैं. It is like a solid piece of metal. और इसमें ये fins दिख रही है. ये ऐसे design के लिए नहीं है. Seriously इसके पीछे दिमाग लगाया गया engineering है. So हमारे गाड़ी में जो है R15 हो गया, ड्यूक हो गया और एनी अदर दैट यूजेस अ रेडिएटर, उसमें होता ये है कि जो कूलेंट होता है वो ऐसे सोचने से लगेगा कि यार क्या मैकेनिज्म है, ये तो ऑलमोस्ट डज नथिंग, बट नहीं, इट हैज़ अ लॉट टू इट. इतना हीट को थोड़ा सा कूलेंट कैसे मैनेज करता है, बट स्टिल इट हेल्प्स इट अ लॉट. तो वो जाता है, कूलेंट जाता है पाइप्स के थ्रू इंजन से, वो इंजन का हीट अब्जॉर्ब करता है. टोटली यहाँ फिजिक्स है, ठीक है, हीट अब्जॉर्ब करता है और फिर बाहर आता है. और जैसे ही वो बाहर आता है रेडिएटर में जाता है. रेडिएटर में फ़ैन चलते रहता है और रेडिएटर में डिज़ाइंस है ऐसे ऐसे ताकि वो इतना ज़्यादा स्प्रेड हो जाता है. तुम देखोगे दूध एक ग्लास में जल्दी ठंडा नहीं होता, जैसे ही तुम प्लेट में निकालोगे जल्दी. सो द लिक्विड को तुम जितना एक्सपेंड करोगे वो उतना ही जल्दी ठंडा होता है. सो सिमिलरली रेडिएटर में वो इतना जल्दी फैल जाता है और ऊपर से फ़ैन चलता है, सो उसका कूलिंग बहुत फास्ट होता है. सो ये एक बहुत ही रैपिड प्रोसेस में चलता है एक साइकिल. तो उससे क्या होता है, इंजन का टेम्परेचर मेंटेन रहता है. दिस काइंड ऑफ बाइक्स बीइंग हाई रेविंग इंजन्स बहुत जल्दी गर्म होता है. और इसमें क्या होता है, फिन्स रहता है, डिसिपेट होता है हीट. हीट क्या होता है, जितना सरफेस बड़ा होगा उतना जल्दी चीज़ें ठंडी होगी, ठीक है. तो वही होता है, एक सॉलिड एक बॉल को तुम हीट करोगे, ठीक है, एक मेटल बॉल है उसको हीट करो एकदम रेड हॉट, ठीक है, उसको बाहर रखोगे, उसको ठंडा होने में जितना टाइम लगेगा उससे काफ़ी कम टाइम एक मेटल प्लेट को गर्म करोगे और बाहर रखोगे, क्योंकि उससे हीट बहुत जल्दी डिसिपेट हो रहा है, मतलब हवा एनवायरमेंट खींच ले रहा है, ठीक है. तो अभी प्रॉब्लम क्या है, हम सोचेंगे कि हमारा बाइक भी अगर कभी रेडिएटर फेल होता है तो वो भी मैनेज कर लेगा यार, हवा लगती रहती है. ये मैं सोच रहा था कि एयर कूलिंग हो जाएगा. एयर कूलिंग कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एयर कूल्ड बाइक्स का जो इंजन होता है इट इज़ डिज़ाइंड बाय लाइक इंजीनियर्स, ठीक है, जो ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग फिजिक्स का नॉलेज होता है. दे नो कि कितना गर्म होगा इंजन, मैक्सिमम टेम्परेचर समर्स में कैसे झेलेगा, कितना हीट इससे जाना चाहिए. तो उस हिसाब से नंबर ऑफ़ लेयर्स या जो भी बनते हैं नंबर ऑफ़ फिन्स, हमारे बाइक में एक सिंगल जरिया नहीं है अपार्ट फ्रॉम लिक्विड कूलिंग इंजन ठंडा करने का. सो रेडिएटर फेल होने के बहुत सारे मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं. वन ऑफ द कॉमन रीज़न एक मैंने सुना है, होज ख़राब हो जाता है तो रेडिएटर से लिक्विड निकलते रहता है जो कूलेंट होता है, सो यू हैव टू चेक दैट. अनदर इज़ कि रेडिएटर और इंजन के बीच में कुछ वो टूट जाता है तो रेडिएटर फ्लूइड और द कूलेंट स्टार्ट्स मूविंग इनटू द इंजन एंड गेट्स मिक्स्ड विद इंजन ऑयल. दैट इज़ अगेन डेंजरस, क्योंकि रेडिएटर खाली हो रहा है. और अगेन एक होता है कि रेडिएटर फ़ैन बंद हो जाता है. रेडिएटर फ़ैन बंद होता है या रेडिएटर का मैकेनिज्म बंद हो जाता है जब अंदर गाड़ी के अंदर एक रेडिएटर का रिले होता है, वो ख़राब हो जाता है. रेडिएटर रिले सबसे ईजी फिक्स है, रिप्लेस करो या उसको ठीक कर दो, इट वर्क्स फाइन. बट डू नॉट एवर कंटिन्यू विद दैट, ये सोच के कि एयर कूलिंग में हमारा गाड़ी ठंडा होगा, कभी नहीं होगा. गाड़ी बहुत ज़्यादा डैमेज होगा. और गाड़ी में क्या क्या डैमेजेस होते हैं मैं बोलता हूँ. पहला चीज़, इंजन सीज होगा. इंजन कैसे सीज होता है पता है, जो पिस्टन होता है दैट इज़ मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम, वो बहुत जल्दी एक्सपैंड होता है. लेकिन हमारा जो सिलेंडर होता है ना दैट इज़ मेड अप ऑफ मच डेंसर मेटल, मे बी कास्ट आयरन या कुछ भी, डाईकास्ट, हमारे केस में डाईकास्ट होता है, एल्यूमिनियम का थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर वर्जन, एल्यूमिनियम किसी के साथ मिला के जो भी होता है, बट वो एक्सपैंड नहीं हो पाता, सिलेंडर एक्सपैंड नहीं होता और पिस्टन एक्सपैंड हो जाता है. तो वो वॉल में बहुत विगरसली रब करता है, रब करने की वजह से या तो पिस्टन रॉड टूट जाता है या वो स्टक होकर रह जाता है, ठीक है.
कुछ भी होता है इंजन सीज हो जाता है, और ऐसे भी होता है कभी कभी केसेस में वो स्टक होके परमानेंटली रह जाएगा, तो पूरा ब्लॉक पिस्टन दोनों चेंज करना पड़ेगा। एक और केस होता है कि जब तुम्हारी गाड़ी का रेडिएटर ख़राब होता है, इंजन बहुत जल्दी गर्म होता है, इंजन ऑयल की लग जाती है, इंजन ऑयल इतना रेट में अपना विस्कोसिटी लूज़ करता है, इंजन ऑयल टोटली ख़राब हो जाता है। बट तुम सोचते हो एक बार इसको ठीक कर ले, या ओवरहीटिंग के वजह से तुमको पता नहीं चलता है, इंजन अगर कुछ भी डैमेज नहीं होता, इंजन ऑयल डेफिनेटली ख़राब होता है, और उसकी वजह से दूसरे पार्ट्स ख़राब होंगे। और एक चीज़, वाल्व ख़राब होता है, पैकिंग रहता है, ठीक है, गैस्केट, वो सब सील वील सब कुछ ख़राब हो जाता है, एवरीथिंग जस्ट गोज फॉर अ टॉस। और इंजन ऑयल ख़राब होने की वजह से बहुत सारी क्रैंक पे इफेक्ट पड़ता है, क्रैंक के सब कुछ, बहुत सारी चीज़ें, ऑल मूविंग पार्ट्स, बेरिंग वेरिंग सब ख़राब हो जाता है इंजन ऑयल इंजन के अंदर, ठीक है। सो नेवर टेक इट फॉर ग्रांटेड। जो भी रेडिएटर वाली बाइक्स है, लिक्विड कूलिंग है उनका, अगर रेडिएटर ख़राब हो रहा है, लिक्विड कूलिंग काम नहीं कर रहा है वो सिस्टम, उसको इमिजिएटली ठीक कराओ, वरना बहुत बुरा वाला लगने वाला है, ठीक है। तो कभी ये मत कंसिडर करना, मेरा बस यही पॉइंट था कि तुमको लगेगा रेडिएटर ख़राब हो गया, चलो एयर कूलिंग होगा, एयर कूलिंग नहीं होगा, मार्क माय वर्ड्स, एयर कूलिंग नहीं होगा। ये वो ओवरहीट होता है ना, उसमें सब कुछ डैमेज होता है, वॉल्व्स डैमेज होगा, क्रैंक डैमेज होगा, और सीलिंग गैस्केट्स डैमेज होगा, मतलब दोज आर सीलिंग अगेन, टैपेट नॉइस बढ़ेगा, टाइमिंग चेंज बहुत ज़्यादा ख़राब होगा। टिल द टाइम यू नो द लिक्विड इज़ फ्लोइंग, तुम्हें लगेगा फ़ैन चल नहीं रहा है तो हमारा इंजन हीट क्यों नहीं हो रहा है, नहीं, इंजन इसलिए हीट नहीं हो रहा क्योंकि वो लिक्विड फ्लो कर रहा है, और जितना एयर आ रहा है रेडिएटर तुम्हारा सिर्फ फ़ैन कूल्ड नहीं है, फ़ैन एक इंड्यूस्ड कूलिंग सिस्टम है, वो नॉर्मली हवा से भी कूल होता है, इसलिए देखना रेडिएटर हमेशा आगे रखा आता है, वरना रेडिएटर को पीछे भी कहीं रख सकते थे फ़ैन लगा के, रेडिएटर में आने वाला हवा भी लगता है, वहीं से वो सबसे ज़्यादा ठंडा होता है, क्योंकि उसमें छोटे 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 इतने पतले पाइप्स, उसमें से जब वो पास करता है वो एकदम ठंडा हो जाता है, फिर से वो वापस जाता है। फ़ैन तो एक सर्टन टेम्परेचर, जब नॉर्मल वो नहीं कर पाता, सेंसर बताता है फ़ैन को, नाउ यू शुड किक इन, तब आता है फ़ैन। हमारा नॉर्मली फ़ैन चालू इसलिए नहीं होता है क्योंकि रेडिएटर सिस्टम काम कर रहा है, जस्ट दैट द फैन हैज़ नॉट किक्ड इन, द फ्लो इज़ ऑन, कूलेंट जा रहा है, सो ऑलवेज मेंटेन द कूलेंट लेवल, मेक श्योर द कूलेंट लेवल इज़ गुड इनफ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर कूलेंट नहीं है तो ट्रस्ट मी गाइज, यू कैन लेवल इट अप विथ वाटर, डिस्टिल्ड वाटर इज़ मोस्ट प्रिफर्ड, अगर डिस्टिल्ड वाटर नहीं है तो एटलीस्ट जो आरओ वाटर आता है दैट इज़ डीमिनरलाइज्ड टू मच एक्सटेंट, सो मच बेटर देन टैप वाटर। टैप वाटर डालोगे यार वो जो इतने छोटे छोटे माइक्रो पाइप्स होता है ना, उसमें हार्ड वाटर जाने से उसमें सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाएगा, वो तुमको पता नहीं चलेगा बट बाद में बड़ा पंगा करेगा। और ये जो पानी भी भर रहे हो भाई, मैक्सिमम टेम्प्ररी के लिए चला लो पानी भर भर के, दो तीन दिन चार दिन बस, ऐसा नहीं कि उसमें चलाते रहोगे, पानी भर के जल्द से जल्द तुम लोग वो भर देना, कूलेंट भर देना, और कूलेंट भरने से पहले पुराना कूलेंट मेक श्योर इट्स ड्रेन्ड कम्प्लीटली, समझे, और क्या, समझ गए सब, और क्या, बस अभी गाड़ी का केयर करो और तेज कर देना भाई लोग, ठीक है। सो ऑल राइट फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल फॉर द वीडियो, डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, एंड इफ यू आर वाचिंग फॉर द फर्स्ट टाइम डू सब्सक्राइब, बिकॉज आई विल ब्रिंग सम वीडियोस रिलेटेड टू मोटरसाइकिल रिपेयर्स एंड वॉट एवर नॉलेज आई गेट आई विल डू शेयर, एंड ऑल्सो इफ यू लाइक द वीडियो, इफ इट हेल्प्स यू सम हाउ, लाइक इट। सो मैं आज तक 300V यूज़ करता आया हूँ 3 बार एट अ स्ट्रेच, और मुझे बहुत अच्छा लगा, बट इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ, आई एम गोइंग टू यूज़ 7100 मोटुल 7100, वो इसको मैं कंपेयर करूँगा और बताऊँगा वाई 7100 इन वॉट वे इट इज़ बेटर देन 300V, क्योंकि मैं 300V का एकदम ब्लाइंड फॉलोअर हो गया था, बट आफ्टर गोइंग थ्रू सम पोस्ट एंड ऑल मुझे पता चला कि 7100 का क्या बेनिफिट्स है, और 300V नो वंडर इज़ absolutely a gem. All right friends, hope you all have a great time. Bye bye.